we have to integrate the function which is e raised to the power x divided by 1 plus e raised to the power x into 2 plus e raised to the power x into dx. So let's see how we will solve this problem. तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट कर रहे हैं एंड द रिप्लेसमेंट इज e raised to the power x को एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस किया गया है. और अगर आपने x को t में कन्वर्ट कर लिया है तो अगला टास्क आपका ये हो जाता है कि आपको dx को भी dt में कन्वर्ट करना होगा. और इसके लिए मैं गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ. मीन्स e raised to the power x dx इज इक्वल टू dt के. तो ये वेरिएबल्स यूज करके अब हम लोग फंक्शन की फ्रेमिंग कर लेते हैं. तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में जो e की पावर x इंटू डी एक्स है इसको आप डी टी से रिप्लेस कर देंगे और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी. फाइनली अब ये पार्ट है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है. तो देखिए अब हम लोग इस फंक्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं. और जब मैं इसको मैनिपुलेट करूंगा देन दिस विल बिकम 2 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी. मैंने न्यूमरेटर में थोड़ा सा चेंजेस किए हैं और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके 1 ही आने जा रहा है, लेकिन इससे मेरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी. और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इंटू डी टी के. फाइन, अब इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट कर लीजिए, मतलब अलग अलग फ्लिप स्प्लिट कर सकते हैं आप इसे. और जैसे आप स्प्लिट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा डी टी ओवर 1 प्लस टी, दिस इज द फर्स्ट टर्म. और सेकेंड टर्म की बात करें देन यू विल गेट डी टी ओवर 2 प्लस टी प्लस कॉन्स्टेंट. अब अगर 1/x के इंटीग्रल की बात करें, सपोज अगर मेरे पास फंक्शन है डी एक्स ओवर एक्स और मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ देन द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन इज लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी. तो जब आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपका बन जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस टी, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं देन यू विल गेट 2 प्लस टी मॉड प्लस सी के. ये जो दो टर्म्स हैं आप चाहें तो यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं एंड द प्रॉपर्टी इज लॉग एन माइनस लॉग ऑफ एन एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम बाई एन के. ठीक है, तो फाइनली ये टर्म आपका बन जाता है log this is mod of 1 plus t divided by 2 plus t ka mod plus c के. अब चलिए एक दो स्टेप और आगे मूव कर जाते हैं. अब आपको t की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी और t की वैल्यू को अगर आप रिप्लेस करते हैं तो दिस इज log mod of 1 plus e raised to the power x divided by 2 plus e raised to the power x ka mod plus c के. अब देखिए एक पॉइंट और है इसमें. ये जो 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स वाला जो डाटा है ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि ई रेस टू द पावर एक्स इज नेवर नेगेटिव. ई रेस टू द पावर एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है. मीन्स 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स भी पॉजिटिव डाटा होगा और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है वो भी पॉजिटिव है. मतलब ये जो बाहर आपको मॉड नजर आ रहा है आप इसे लिखें या ना लिखें इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. तो फाइनली आप आंसर क्लेम कर सकते हैं द आंसर इज लॉग 1 प्लस e raised to the power x divided by 2 plus e raised to the power x plus constant. And finally, this is the answer of the given question.